हेलो माय लवली स्टूडेंट्स मेरे लक्ष्य 2025 के प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चों आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम है भाई एंड एज यू ऑल नो हम लोग अपना पूरा सिलेबस दोबारा कर रहे हैं अपने रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से सो दिस इज दी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स ठीक है स्टार्ट करें चलो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड आप लोगों को पता है इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें हम सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं अगर आपके यहाँ पे ये जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है ये अच्छे से समझ में आ गए तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पहले ये जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर ये होता क्या है और रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं सब डिस्कस कर लेते हैं तो कहानी शुरू होती है हमारे बिल्कुल बचपन से जब हमने काउंटिंग स्टार्ट करी थी बच्चों को काउंटिंग कैसे स्टार्ट कराते हैं वन टू थ्री फोर ऐसे कराते हैं ना क्या देखा आपने किसी स्कूल में काउंटिंग बेटर चलो सीखो जीरो वन टू ऐसे नहीं सिखाते हम स्टार्ट करते हैं हमेशा बेटा वन टू थ्री ऐसे करते हैं सो so, हमारे नंबर्स भी ऐसे स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन जहाँ तक काउंटिंग आती है नंबर्स चलते जाएंगे और ये सभी नंबर्स हमारे होते हैं नैचुरल नंबर्स सो नेचुरल नंबर्स कौन से हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जहाँ तक आप काउंटिंग लिख सकते हो वहाँ तक ये सारे नेचुरल नंबर्स है फिर बड़े लोग आए कि बच्चों को जीरो नहीं सिखाओगे नाइन के बाद टेंथ सिखा दोगे जीरो भी तो सिखाओ उनको उन्होंने कहा ठीक है चलो जीरो भी सिखा देते हैं फिर उसने कहा ये नेचुरल नंबर्स तो सारे आ ही रहे लेकिन जीरो नहीं छोड़ेंगे हम और जीरो को लिखेंगे वन से भी पहले सो so, जीरो अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो वो बन जाएगा होल नंबर क्या फर्क है दोनों में नेचुरल नंबर्स होते हैं वन से लेके सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं जीरो से लेके सारे नेचुरल नंबर इसका मतलब क्या हुआ क्या अब देखो ये ना क्वेश्चन आता है वन मार्क में और कंफ्यूज कर देता है बच्चों को ऐसे पूछते हैं इंग्लिश में आता है भाई क्योंकि लिखा हो तो इंग्लिश में आता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स या फिर आ जाता है आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स तो क्या पूछा है हमसे ये पूछा है क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर है तो देखो हाँ बात तो सही है सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है नहीं होल नंबर में जीरो लेके नेचुरल नंबर नहीं है वो सो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स ठीक है कंसेप्ट क्लियर हो गया ये वाला अब बात करते हैं भाई नेगेटिव नंबर बैठे हुए हैं कि पहले तुम कर लो पहले काउंटिंग लिख ली फिर तुमने जीरो नंबर भी ले लिया हम नेगेटिव नंबर का क्या तो उनके लिए आए इंटीजर्स इंटीजर्स हमारे होते हैं इसमें जीरो वन टू थ्री फोर तो चल ही रहा है साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए सो so, इंटीजर्स में हमारे बेटे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं नेगेटिव नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों को गलती हो जाती है कि माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सेवन ये सारे इंटीजर्स है बेटा जीरो वन टू थ्री फोर ये सब भी इंटीजर्स है मतलब सारे नेचुरल नंबर्स क्लब करके बना होल नंबर क्लब करके बना इंटीजर्स उसके बाद आया रैशनल नंबर्स जिसमें हमारे कौन से नंबर्स आ जाते हैं जिसमें हमारे सभी डेसिमल नंबर्स और सभी जो नंबर्स फ्रैक्शन में है वो आ जाते हैं ठीक है इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम अगर ये 2.5 है ठीक है नेगेटिव भी ले सकते हैं तो इंटीजर्स भी इंक्लूड है 2.5 है सो ये डेसिमल नंबर है हम हमेशा कहते हैं कि रैशनल नंबर्स होते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में बेसिकली फ्रैक्शन की फॉर्म में तो अब आप ये क्यों कह रहे हो डेसिमल नंबर्स भी हो जाएंगे क्योंकि अगर मैं ये डेसिमल हटाऊं तो नीचे क्या लिखूंगी 10 सो गया, 25 by 10 हो गया fraction में, so, सभी बेटा सारे हमारे fraction numbers, rational number होते मतलब होगा, तब भी वो हमारा क्या होगा रैशनल नंबर होगा अब जब मैं कह रही थी नेचुरल नंबर मिला के होल नंबर बना ये दोनों मिला के इंटीजियर बना ये सब मिला के रेशनल नंबर बना तो प्रॉब्लम कहाँ आती है के नंबर किसी ने पूछ लिया फोर आप कहोगे फोर नंबर हाँ ये नेचुरल नंबर भी है ये होल नंबर भी है ये इंटीजर भी है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि पी फॉर्म में नहीं है क्या अगर मैं फोर को लिख दू फोर अप वन क्या नंबर चेंज हो गया अभी भी फोर अप वन है तो फोर ही लेकिन मैंने इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया तो मेरा फोर नंबर जो है ना बेटा वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया ठीक है समझ में आ गया सो so, सारे नेचुरल नंबर्स मिले उसमें जीरो ऐड हो गया होल हो गया ये दोनों मिले उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड हो हो गए गए इंटीजर बन ये ये सब मिले उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन वाले मिला दिए नंबर ठीक है तो ये तो सब क्लब बन के बैठे हैं अब वहां जो उधर नाराज होके बैठा हुआ है ना वो है हमारा इ नंबर अब पूछो जरा इसको क्या दिक्कत है ये अपने अलग ही नंबर लेके आए कि इनमें से कोई भी नहीं होगा मैं अलग ही हूँ क्या हो भैया कैसे नंबर लाया ये लाया पाए कि जो पाए है ना

वो क्या होती है थ्री पॉइंट वन फोर एंड नंबर चलते रहते हैं कोई उसका एंड ही नहीं है ये थ्री पॉइंट वन फोर ये जो चल रहा है ना ये डेसिमल नंबर में भी नहीं आ रहा क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता ये आगे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है नंबर्स इसके रिपीट ही नहीं हो रहे समझ रहे हो सो so, कहीं पे भी वो हमने नाइन्थ में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था लेकिन अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स बोलोगे ना तो आप कहोगे मैम पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है इसलिए मैं वो टर्म्स यूज नहीं कर रही बट एक्चुअल में बात यह है कि जो नंबर्स है कभी एंड होते ही नहीं है चेंज होकर बदलते रहेंगे बदलते रहेंगे जब हम डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं

इेशनल है अंडर रूट में थ्री इेशनल है अंडर रूट में फाइव इेशनल है क्या मैं कुछ भूली बीच में हाँ मैम अंडर रूट में फोर क्यों छोड़ दिया अंडर रूट में फोर इेशनल है न न न क्यों इेशनल नहीं है क्योंकि अंडर रूट में अगर फोर है तो वो क्या होता है टू इंटू टू टू का स्क्वायर होता है सो so ये हमारा इक्वल होता है बेटा टू के और टू क्या है रैशनल नंबर है देखा जाए तो टू हमारा क्या है फिर से बोलो नेचुरल भी है होल भी है इंटीजर भी है रैशनल भी है लेकिन इरेशनल नहीं है सो देअर फोर रूट फोर हमारा इरेशनल नहीं होता तो यहाँ से फिर कंक्लूजन आता है अच्छा इसका मतलब अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर है तो वो हमारा इशनल होता है नहीं ये भी जरूरी नहीं है अंडर रूट में अगर मैं फिफ्टीन लिखू अंडर रूट में फिफ्टीन लिखूं फिफ्टीन मेरा क्या है प्राइम नंबर नहीं है 50 क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है 5 के टेबल में भी आता है तो 15 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन इरेशनल है क्योंकि बेटा 15 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो बेसिकली हमें अंडर रूट में कंप्लीट स्क्वायर नहीं चाहिए कंप्लीट स्क्वायर कौन-कौन से होते हैं सो वी हैव 4 हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है क्योंकि 2 2 4 होता है 3 3 9 अगेन कंप्लीट स्क्वायर फोर फोर जिक्सटीन अगेन कंप्लीट स्क्वायर फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव अगेन कंप्लीट स्क्वायर सिक्स सिक्स ज थर्टी सिक्स अगेन कंप्लीट स्क्वायर सेवन सेवन ज फोर्टी नाइन सो इस तरीके की ये जो सारे नंबर्स है ये हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स है सो so, बस आपके पास अंडर रूट में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर होगा तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा उसके अलावा कोई भी नंबर है वो चलेगा आपको कोई बोले कि बेटा अंडर रूट में सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए तो आप रूट फिफ्टीन का एग्जांपल दे देना कि 15 कोई प्राइम नंबर नहीं है लेकिन इराशनल है तो बस क्या ध्यान रखना है अंडर रूट में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारा रूट हटा देगा ठीक है सो देयर अंडर रूट वाले नंबर बस कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने चाहिए उसके बाद अब आप कहोगे मैम यहाँ पे डेसिमल नंबर क्यों आ गया यहाँ पे डेसिमल नंबर्स तो आया है बेटा लेकिन इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे ना मतलब बेसिकली ये नंबर्स कभी खत्म नहीं होते या इनका पैटर्न जैसे मैं और सिंपल अगर इसका एग्जाम्पल दूँ या डॉट लगा दे क्योंकि खत्म नहीं होगा और अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो वो इस तरीके से हो सकता है जैसे वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन ज़ीरो 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 जीरो वन सो बेसिकली क्या हो रहा है ना ये नेवर एंडिंग है एंड यहाँ पे देखो पैटर्न ज़ीरो वन था फिर डबल ज़ीरो के साथ आ गया फिर ट्रिपल जीरो के साथ फिर चार टाइम जीरो के साथ आ गया सो so ये कभी खत्म ही नहीं होगा ये इस पैटर्न में बढ़ता ही जाएगा इट इज़ बेसिकली ना तो वो रिपीट होगा कभी कि सेम 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 जैसे एक होता है कि अगर आ गया 4.666666 और ये चलता जा रहा है सो so, यहाँ पे क्या है रिप, रिपीट हो रहा है ठीक है ना सो so, इसको हम रैशनल में ले लेंगे लेकिन अगर ऐसे पैटर्न चेंज होता हुआ जाएगा और वो कभी एंड ही नहीं होगा सो so, वो हमारा इ नंबर में आता है यूजली इसको भी चाहे आप मत इमेजिन करो आप ऐसे नंबर देख लेना ये आई थिंक वही बात है कि आई थिंक रूट टू की ये वैल्यू है सो so, वो नंबर चलते हुए जाएंगे ठीक है ना सो और इस तरीके के जो पैटर्न वाले होंगे जिनका पैटर्न चेंज होता रह रहा है वो हमारे इ होंगे पाए हमारा इैशनल होगा और अंडर रूट में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे जितने भी मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने चाहिए बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो इैशनल है सो so, यहाँ से आपका ये नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अब यहाँ पे ये इनका तो हम बड़ा आराम से देखते आ रहे कि ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बबल क्रिएट कर रहे थे इनमें और इसमें क्या कॉमन है सिर्फ एक चीज कॉमन है कि ये सारे नंबर्स ये भी और ये भी दे आर पार्ट ऑफ रियल नंबर so उसमें हमारे इन राशनल आर अवर रियल नंबर्स ठीक है, है so क्लियर है, है, है चलो आगे बढ़ जाते हैं नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया अब आएगा कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर बहुत बेसिक है बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम सो बेटा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं पहले बात करते हैं प्राइम नंबर्स की सो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं जैसे कि टू वन जर टू और किसी के टेबल में टू नहीं आएगा देन थ्री थ्री वन जर उसके अलावा किसी के टेबल में आ रहा है नहीं फोर फोर हमारा टू के टेबल में आ रहा है है ना देन फाइव अगेन किसी के टेबल में नहीं आ रहा देन सिक्स थ्री के टेबल में भी आ रहा है टू के टेबल में भी आ रहा है देन सेवन हो गया हमारा किसी के टेबल में नहीं आता एट अब यहाँ से जितने भी इवन नंबर है ना वो तो सारे वैसे ही टू के टेबल में आते हैं क्योंकि two के टेबल में एक नंबर छोड़ के आते हैं तो सारे इवन नंबर तो वैसे ही वहां चले गए सेवन के बाद अगेन एट चला गया नाइन थ्री के टेबल में आता है टेन फाइव के टेबल में आता है आ गया इलेवन अगेन ट्वेल्व टू के टेबल में आता है थ्री के टेबल में आता है उसके बाद थर्टीन वो किसी के टेबल में नहीं आता सो so, ये जो नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते सिंपल वैसे इसको पता है प्राइम नंबर्स कैसे करते हैं ऐसे नंबर जिसका जो फैक्टर है वो सिर्फ वन होना चाहिए या वो नंबर एक होना चाहिए वो भी एक्सप्लेन करूंगी मैं लेकिन आपको ऐसे सिंपल उसमें याद रखना है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं ठीक है ठेके? और जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं है जैसे यहाँ पे हम लिखते हुए चल रहे थे फोर सिक्स एट और कौन सा नंबर हो सकता है नाइन हमारा टेन हमारा देन ट्वेल्व हो गया ऐसे बहुत सारे बेसिकली सारे इवन नंबर्स कह लो ये जो सब नंबर्स है ये हमारे आते हैं इधर आजा भाई Composite numbers में, so, simple words में, ठीक ठीक है? है, है? है? जो 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 नहीं वो वो हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं एच सी एफ जिसका भी नहीं जाते जिसके जो फैक्टर्स है वो वन होता है या नंबर इट सेल्फ होता है तो इसका क्या मतलब है देखो जब हम मैंने प्राइम नंबर बोला तो मैंने बोला कि वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं ठीक है थीके? जैसे टू है के टेबल में आता है लेकिन अगर एक टेबल जो हमने बचपन में नहीं सीखा मैं अगर आपको बेसिकली वन का जो टेबल है ना उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे सो दैट मींस अगर मैं इस टू की बात करूं तो ये वन के टेबल में आता है और टू के टेबल में आता है तो so, देयरफॉर इसके दो फैक्टर्स हो गए एक है वन और एक है नंबर सो प्राइम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्राइम नंबर जिनके जो फैक्टर्स हैं वो वन और नंबर इट होता है इधर मैं थ्री की बात करूं तो ये के टेबल में आता है और थ्री के टेबल में आता है फाइव की बात करूं तो ये फाइव के टेबल में आता है वन के टेबल में आता है सेवन वन और सेवन के टेबल में आता है इलेवन वन और इलेवन के टेबल में आता है थर्टीन वन और थर्टीन के टेबल में आता है एंड सो ऑन तो मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं एंड वन के टेबल में आते हैं ठीक है ठीके? अब जो मैं बीच में बोलने लगी थी और मैंने अपनी बात काट दी थी वो था को प्राइम्स अब को प्राइम्स क्या होता है को प्राइम्स होता है बेटा दो प्राइम नंबर्स को साथ रख दो जैसे टू और थ्री को रख दो टू और थ्री में कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें ये के टेबल में, आते है, ये के में आते है। सिर्फ के में ये दोनों दो, अगेन वन के टेबल में आते हैं सो दो, ये, so ये दो प्राइम नंबर को जब हम साथ रखते हैं तो वो हो गए को प्राइम कैसे लिखते हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन है या हम बोल सकते हैं एच सी एफ दिस इज गोइंग टू अस टू आर नेक्स्ट टॉपिक जो एलसीएम एच सी एफ का हम करने वाले हैं ठीक है चीके? यहां तक क्लियर हो गया ये चीज समझ में आ गई चल अच्छा अब यहां खत्म करने से पहले एक चीज मैं भूल गई वन नंबर इसके बारे में जरा देखो कोई बात नहीं हुई वैसे जीरो के बारे में भी बात नहीं हुई बट वन और जीरो की जब हम बात करते हैं सो जीरो तो तो फिर भी चलो बहुत लोग नहीं पूछते वन 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 कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो सिर्फ के टेबल में आता है अब भैया उसका वन वन भी कॉमन ही हो गया नंबर इट भी वन ही है सो वो हमारा ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आता है एंड सेम गोस फॉर जीरो जीरो और वन ऐसे नंबर्स है बेटा जो ना तो कॉम्पोजिट होते हैं ना ही प्राइम होते हैं वो किसी भी दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं जाते ठीक है तो ये बार बार दिमाग में क्वेश्चन करते हुए आता है कि वन प्राइम नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है जीरो प्राइम नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है तो सिंपल आज लिख लो कि जीरो और वन ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है ठीक है कोई लड़ाई नहीं वो कह रहे हम दोनों में से किसी की टीम में नहीं जा रहे ठीक है थीके? चलो आगे अब आ जाते हैं हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है प्राइम तो वर्ड अभी पढ़ के आए हैं हम प्राइम फैक्टर प्राइम वाला फैक्टराइजेशन वर्ड आता है फैक्टर से अब फैक्टर क्या होता है जैसे कोई भी नंबर है थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते ले ले हैं या चलो 6 ले लेते हैं ठीक है 6 को आई कैन राइट 6 1 या 1 6 ठीक है आई कैन आल्सो राइट इट एज 2 3 या 3 2 ठीक है तो अब यहाँ पे ये जैसे हमने लिखा ये वन आया ठीक है सिक्स आया टू आया थ्री आया ठीक है बाकी तो रिपीट हो रहे हैं यहाँ टू रिपीट हो रहे हैं थ्री रिपीट हो रहा है यहाँ वन रिपीट हो रहे हैं यहाँ सिक्स रिपीट हो रहा है सो आई कैन से कि सिक्स के फैक्टर्स है वन टू थ्री और सिक्स तो ये सिक्स के क्या है दीज आर फैक्टर्स तो ये सिक्स के फैक्टर्स हैं और यही हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये तो छोटा नंबर था तो हमने इसको बड़ा बड़े से लिख दिया अब यही नंबर अगर बड़ा आ जाए 6000 आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ जरा इसके बताओगे तो कैसे बताओगे इसको हम करते हैं जो हम ये जो प्रोसेस करते हैं वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का जिससे हम स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं ये नंबर किससे डिविजिबल है सबसे छोटा दिख रहा है टू से डिविजिबल है, ठीक प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों क्योंकि से कर दो ना। वन आ जाएगा। लेकिन वी ऑलवेज टेक प्राइम नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर लेते हैं ठीक है सिक्स नहीं लेंगे सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर ठीक है टू के टेबल से देखो टू के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री और ये तो सारा ज़ीरो ज़ीरो जीरो अभी भी ये अब सो जब दिमाग में आएगा ना मैम थ्री से कर देते हैं ना वन थाउजेंड हो जाएगा नहीं भाई टू से भी हो रहा है थ्री से भी करोगे तो गलत नहीं है लेकिन टू से हो रहा है जब तक इसकी डी पी लास्ट में जीरो है तो टू से किया हमने सो तो ये आ जाएगा टू वन ज टू ये बन गया टेन ये हो गया फाइव और ये आ गया अगेन जीरो जीरो अभी भी लास्ट में जीरो है फिर से टू से हो सकता है सो तो अगेन देखो हो थ्री से भी सकता है वो आगे आ जाएगा अपने आप ठीक है और अगर आप थ्री से कर भी देते तो भी गलत नहीं है फिर से टू कहीं ना कहीं आगे आ ही जाएगा क्योंकि जितनी बार टू आना है जितनी बार थ्री आना है वो आएंगे ठीक है किसी भी ऑर्डर में कर लो इसको चलो इसको यहां रखते हैं अब करो जरा फिफ्टीन हंड्रेड को टू में फिफ्टीन से छोटा क्या आता है, सेवन पे आते है। टू सेवन साथ में, जीरो। अभी भी लास्ट में जीरो है। फिर से टू से हो सकता है फिर से इसको टू से करेंगे अब टू के टेबल में सेवन नहीं आता लेकिन टू थ्री जिक्स आता है सेवन की जगह हमने सिक्स लिया बच्चा वन ये बन गया फिफ्टीन अब टू के टेबल में फिफ्टीन में नहीं आता फिफ्टीन से छोटा क्या आता है 7 जा, 14, फिर से बचा वन ये ये आ गया 10, अब ये हो जाएगा टू के टेबल में फाइव पे टेन आता है ठीक है अब लास्ट में फाइव आ गया अब ये हमारा टू के टेबल से नहीं होगा लेकिन देखो सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्री फिफ्टीन थ्री के टेबल से हो जाएगा अब ये थ्री के टेबल से भी हो जाएगा और लास्ट में फाइव है तो फाइव के टेबल से भी हो जाएगा तो आप अगेन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो लेकिन हम छोटे से बड़े पे चल रहे हैं सो थ्री से करेंगे सो ये आ जाएगा थ्री वन ज थ्री आप थ्री के टेबल में सेवन नहीं आता तो थ्री टू सिक्स कर देंगे सो यहाँ पे बचा फिफ्टीन थ्री के टेबल में फिफ्टीन आता है तो ये हो गया फाइव नाउ फाइव सिक्स सेवन एट प्लस करके एट आ रहा मतलब है मतलब थ्री से डिवाइड नहीं होगा लास्ट में फाइव है फाइव से हो जाएगा कोई बात नहीं सो फाइव से किया इसको अब देखो फाइव के टेबल में ट्वेल्व तो नहीं आता फाइव टू ज टेन आता है ये बन गया फिफ्टीन नहीं सॉरी फाइव टू जर टेन आता है तो ये ट्वेल्व था ट्वेल्व के नीचे टेन रखा बच गया टू तो ये बन गया ट्वेंटी फाइव आई बन ट्वेंटी फाइव आता है इधर भी फाइव ट्वेंटी फाइव आ गया फिर से फाइव से किया सो ये आ गया फाइव फिर से फाइव से करेंगे सो ये आ गया वन सो नाउ आई कैन से सिक्स थाउजेंड का ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ रहे थे एंड इफ आई राइट कि 6000 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं सो वो हो जाएगा टू इन टू टू इन टू टू अकाउंट कर लो कितनी एक दो तीन चार बार एक दो तीन इन टू टू इन टू थ्री कितनी बार है एक बार और फाइव कितनी बार है तीन बार ठीक है अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो टू हमारा चार बार है थ्री हमारा एक बार है तो वन लिखने की जरूरत नहीं और फाइव हमारा अगेन थ्री टाइम्स है सो so, ये इस तरीके से हम सिक्स थाउजेंड को लिख सकते हैं ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है ठीक है दोनों तरीके से लिख सकते हैं ये सब हमारे प्राइम फैक्टर्स है और ये जो हमने मेथड किया दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है छोटी क्लासेस में करके आए हैं ये भी हम चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल सी एम एंड एच सी एफ एल सी एम एच सी एफ में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं लेकिन फर्क क्या होता है जब हमें निकालना होता है एल सी एम विच इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है इट इज अ मल्टीपल ठीक है ये भी अभी मैं आपको क्लियर करती हूं एंड वेन वी टॉक अबाउट एच सी एफ इट इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर सो मल्टीपल और फैक्टर में फर्क क्या है जैसे एक नंबर है थर्टी सिक्स ठीक है इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो अगेन थ्री टू बी इसका एक फैक्टर है थ्री बीज का एक फैक्टर है सिक्स बीज का एक फैक्टर है ये क्या है ये सब क्या है इसके फैक्टर्स हैं मतलब इन सब के टेबल में ये थर्टी सिक्स आता है इससे डिविजिबल है लेकिन अगर मैं बोलूँ इन सब का थर्टी सिक्स मल्टीपल है समझ रही हो मतलब टू को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी सिक्स आएगा थ्री को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी सिक्स आएगा सिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी सिक्स आएगा तो थर्टी सिक्स इन सब का मल्टीपल है और ये सब थर्टी सिक्स के

अब आपको दो नंबर दे दिए और मुझे बोला इन दोनों नंबर का एच निकालो और एल निकालो जब भी मुझे एल निकालना है तो मैं दोनों नंबर्स को साथ लेके चलूंगी मतलब यहाँ मैंने लिख दिया फाइव और दूसरा नंबर है नाइन्टी ठीक है दोनों नंबर्स को साथ में लिख दिया एंड जब मुझे एच निकालना है तो मैं फाइव को अलग से प्राइम फैक्टराइज करूंगी और 92 को अलग से प्राइम फैक्टराइज करूंगी ठीक है सो स्टार्ट करते हैं देखो अब यहां पे देखना दोनों ही हमारा से डिविजिबल हो रहा है सो so टू से स्टार्ट कर दिया ये आ जाएगा टू टू झा फोर बचा इलेवन सो टू फाइव अगेन बचा टेन so आ गया एंड टू फोर झा एट ट्वेल्व बचा सिक्स अब जब हम नीचे यहाँ पे आएंगे ना तो हम देखेंगे कि ये तो टू के टेबल से अभी भी हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा कोई बात नहीं भाई तब भी हम इसको टू से ही करेंगे टू फाइव फाइव को एज इट इज लिख दो लेकिन ये तो हो रहा है इसको कर लो फोर की जगह आ गया टू और इसकी जगह आ गया ट्वेंटी थ्री आप देखो जरा अब मैं ट्वेंटी थ्री और टू फिफ्टी फाइव की बात करूं तो ट्वेंटी थ्री तो प्राइम नंबर है वो तो सिर्फ ट्वेंटी थ्री से ही होगा फिफ्टी फाइव जो है वो हमारा 5, 5, 10, 3 के टेबल से भी हो जाएगा 5 के अब देखो एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन अब ये थ्री के टेबल से भी नहीं होगा लेकिन फाइव के आप 23, तो 23 से अब देखो हो होना उसको तो भूल ही जाओ इट इज तो चलता रहेगा जब तक आप यहाँ पे ट्वेंटी थ्री नहीं लाते लेकिन इधर एटी फाइव

तो हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब एल सी एम मेरा इक्वल हो जाएगा टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवेंटीन इंटू ट्वेंटी थ्री इमेजिन कर लो कितना बड़ा नंबर आने वाला है करें आ, टू टू जो फोर फोर थ्री ज ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव से तो फिर मल्टीप्लाई करना है सिक्सटी इन टू ट्वेंटी थ्री और सेवनटीन को पहले कर ले सो so, मैं सेवनटीन और ट्वेंटी थ्री को कर रही हूँ यहाँ पे कर लेते हैं ट्वेंटी थ्री इन टू सेवनटीन सेवन थ्री ज्वेंटी वन सेवन टू जा फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड या गया वन सो आ गया थ्री टू ये आ गया अगेन वन सिक्स सेवन एट नाइन एंड टू थ्री तो गया थ्री नाइन्टी वन सो आपको थ्री नाइन्टी वन को सिक्सटी से करना है हम थ्री नाइन्टी वन को सिक्स से कर लेते हैं साथ में जीरो लगा देंगे सिक्स वन जिक्स सिक्स सिक्स इंटू नाइन इज फिफ्टी फोर एंड देन वी हैव सिक्स थ्रीज एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री सो यह टू थ्री फोर सिक्स सो ये आ गया हमारा टू थ्री फोर सिक्स और हमने सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो साथ में जीरो भी लगा देंगे ठीक है so, सो ये पूरा नंबर ये हो गया मेरा एल सी एम तो इन दोनों नंबर्स का एल सी एम ये आया अब चलते हैं इसके एच सी एफ पे सो अब आपको दोनों नंबर्स का अलग अलग से इसको क्या करना है प्राइम फैक्टराइज करना है so, तो इसको स्टार्ट करते हैं इसको टू से स्टार्ट करेंगे सो so, ये हमारा आ जाएगा टू फाइव अभी हम यहाँ पे करके आए थे सेम ही चलेगा सो so, ये आ गया टू फाइव फाइव अब टू फाइव फाइव आ गया अब थ्री से करना पड़ेगा यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि अभी अगर सात वाला हो रहा है तो इसको टू से चलाते रहो कोई ज़रूरत नहीं है अब इसको थ्री से करेंगे तो ये आ जाएगा अगेन थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर बचा फिफ्टीन सो ये आ गया फाइव पे फिर हम इसको फाइव से कर देंगे सो ये आ जाएगा फाइव वन ज़ा फाइव और ये होगा सेवन से अगेन सेवेंटीन से करना पड़ेगा तो ये बचा वन अब नाइन्टी टू को टू से स्टार्ट करते हैं ये आ जाएगा फोर सिक्स एंड अगेन टू से करेंगे ये आ गया टू थ्री प्राइम नंबर आ गया ट्वेंटी थ्री से करेंगे वन अब एच सी एफ कैसे निकालेंगे बेटा हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है जैसे टू यहाँ पे भी है टू यहाँ पे भी है अब थ्री नहीं है उधर तो नहीं माना जाएगा यहाँ पे दो बार टू है तो क्या ये टू ले लूँ मैं नहीं क्योंकि यहाँ पे दो बार टू नहीं है सो देर फोर जो सेम है अगर एक बार इधर टू है तो वहां से एक बार ही ले सकते हो सो देर फोर और कुछ भी कॉमन नहीं है सो so इसका एच सी एफ क्या आ गया एच सी एफ इज इक्वल्स टू टू आ गए ये इन दोनों में कॉमन है बाकी इसके फैक्टर्स अलग है उसके फैक्टर्स अलग है ठीक है तो इसका एच सी एफ आ गया टू और इसका एल सी एम आ गया ये बड़ा नंबर सो so यहीं से पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एल होता है हमेशा एक बड़ा नंबर आता है और जो एच होता है ये हमेशा एक छोटा नंबर आता है इससे हमें फ़ायदा क्या होता है ये हमारे काम आता है जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं सो so, जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जिसमें डायरेक्ट लिखा होगा कि आपको नंबर्स का एच निकालना है या एल निकालना है वर्ड प्रॉब्लम्स में आपसे पूछा कैसे होगा जैसे uh, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल के उन्होंने बोला कि भाई इतने बंदे मान लो फाइव हंड्रेड या फाइव हंड्रेड ऐसे नंबर ऑफ़ पीपल है एंड उनको इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में खड़ा होना है तो बताओ कितनी नंबर ऑफ रोज मतलब या पांच जनों को अगर एक रो में खड़ा होना है तो कितनी रोज होंगी या कितने कॉलम्स होंगे जब इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा वहां पे आपको नहीं पता कि आपको जो नंबर दे रखे है आपको उन नंबर्स का एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है ठीक है सो हम वहां पे यही चीज सोचेंगे कि जो हमें आंसर मिलेगा क्या वो एक बड़ा नंबर मिलेगा या वो एक छोटा नंबर मिलेगा सो so, अगर आपको लगता है कि जो आंसर है वो एक बड़ा नंबर मिलेगा तो हम उस केस में निकालते हैं एल अगर आपको लगता है कि जो मेरा आंसर है वो एक छोटा नंबर आएगा जैसे 600-700 लोग हैं 10 रोज बनने कितने कॉलम बनेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम 600 से ज्यादा तो नहीं हो सकता तो एक छोटा नंबर आएगा सो so, उसके हम एच सी एफ निकालेंगे ठीक है समझ में आया अभी बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा बस हमें क्या याद रखना है जब जब आंसर आंसर बड़ा चाहिए we go for LCM. जब चाहिए वी वी गो गो फॉर फॉर छोटा ये याद रखोगे कभी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालने की एच सी एफ ठीक है क्लियर है चलो यहां तक समझ में आ गया अब हमारी एक थ्योरम आ जाती है जो थ्योरम कहती है लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर है यहाँ पे सो इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर ठीक है अब यहां पे इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे सो so, एग्जाम्पल uh, कौन सा ले रुको मुझे कुछ अच्छा एग्जाम्पल सोचने दो थर्टी सिक्स ठीक है अगर मैं कहूं थ्री डिवाइड थर्टी सिक्स पहली बात तो मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है थ्री इंटू ट्व करती हूँ मैं तो थर्टी सिक्स आता है ठीक है को लिख सकती हूँ ना सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स को आई कैन राइट सिक्स का स्क्वायर क्योंकि 6 6 का 36 होता है so, 3 36 को मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा हमारे यहाँ पे बोल रखा है थ्री डिवाइड स्क्वायर सो थ्योरम में ये बोल रखा है बेटा कि अगर कोई नंबर जिसको उन्होंने p बोला डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को मतलब six हमारा a हो गया ठीक है अगर कोई नंबर डिवाइड करता है इसके स्क्वायर को तो ये नंबर डिवाइड करेगा उस नंबर को भी मतलब सिक्स को भी परफेक्ट एग्जांपल

मतलब फोर का स्क्वायर सो इफ टू डिवाइड फोर का स्क्वायर दिस मीन्स टू विल ऑल्सो डिवाइड फोर ठीक है ऐसे ही फाइव का एग्जांपल ले लो इफ फाइव डिवाइड अब मैं रैंडम ले रही हूँ सी का स्क्वायर अगर फाइव डिवाइड करता है सी के स्क्वायर को सो फाइव विल ऑल्सो डिवाइड सी समझ में आया यहाँ पे कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है बेटा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ठीक है ये है। ये क्लियर है है अभी हमारा यूज होगा ठीक इसलिए बस याद रखना है कोई भी नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ठीक है क्लियर चलो अब क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं ऐसे नहीं आता कि जैसे थ्योरम डायरेक्ट लग जाएगी क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर मतलब आपको एक इरेशनल नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रूफ करो ये इेशनल नंबर है सो so, एग्जाम्पल से लेते हैं हम ले लेते रूट टू क्या आपको उन्होंने बोल दिया कि प्रूफ करो रूट टू इज इशनल ठीक है सो so, यहां पे हम इशनल प्रूफ करना सीख रहे हैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल तरीके से सीखेंगे आपको इतना इजी लगने वाला है ना सो so, स्टार्ट कैसे करते हैं कुछ स्टेप से चार पांच स्टेप से उसमें हम इसको प्रूफ कर देंगे लेट करने से स्टार्ट करते हैं लेट रूट टू बी Rational. अब उन्होंने प्रूव करने को बोला है कि इैशनल है लेकिन हम लेट कर लेते हैं उसका उल्टा कि वो रैशनल नंबर है ठीक है सो लेट रूट टू बी रैशनल सो आई कैन राइट रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू या सी अपॉन डी कुछ भी ले, ले ठीक है सो so, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मतलब ये पी बाय क्यू की फॉर्म में होगा या ए बाई क्यू लिख सकते हैं इसको, हम इसको एंड हम मैंशन करेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो समझो जरा क्या लिखा है मैंने मैंने बोला पहले तो मैंने ये बोला कि ये रैशनल नंबर है सो so, अगर ये है, मतलब मैं इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ हमारे ऐसे फ्रैक्शन में होते हैं एंड ये ए और बी को प्राइम्स होंगे को प्राइम्स अभी सीख क्या आए हैं हम ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा मतलब इनका एच सी एफ बेटा वन होगा ठीक है दो हम ये दो प्राइम नंबर्स होंगे बेसिकली आगे फर्दर कट नहीं हो सकते ऑन इन सिंपल वर्ड्स ठीक है एंड बी हमारा जीरो नहीं हो सकता मतलब जैसे अगर देखो बाई फोर अपॉन जीरो कर दोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना सो so, नीचे वाला हमारा जीरो नहीं हो सकता ठीक है ये दो कंडीशन के साथ हमने इसको बोल दिया कि ये इक्वल है ए अपॉन बी के नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बी यहाँ डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया रूट टू बी एक टू ए अब हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें करना है स्कवायरिंग दोनों sides. साइड्स sides का हमें करना है बेटा स्क्वायर बोथ साइड में क्या होगा रूट टू बी इस पूरे का स्क्वायर करोगे आप और ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो ही जाएगा है ना अब रूट टू बी का स्क्वायर क्या है इसका मतलब है रूट टू का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा ठीक है ना क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना अब जब रूट टू का आप स्क्वायर करोगे रूट टू इंटू रूट टू रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा बेटा 2 के इक्वल हो जाएगा है ना रूट रूट ऐसे 2 के इक्वल हो जाएगा ना सो ये आ गया 2 और साथ में b के साथ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर ठीक है अब फिर से यहाँ पे समझने वाली चीज आ गई अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये जो बी स्क्वायर है ना मैं अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो भी नंबर आएगा बेटा वो टू उसको डिवाइड करेगा जैसे टू इन तू फोर का स्क्वायर किया हमने क्या आएगा हमारे पास का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू सो टू इस थर्टी टू को डिवाइड करेगा ऑब्वियसली भाई टू से मल्टीप्लाई करके तो ये नंबर आया है समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट समझ आ रहा है किसी भी नंबर टू को अगर मैं किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो, ये तो, को तो ये आया है टू so, मतलब का फैक्टर मिल गया ना तो वो डिवाइड करेगा सो so, मैं कह सकती हूँ कि अगर बी स्क्वायर को मैं टू से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ए स्क्वायर आ रहा है सो सिंपल वर्ड्स में आई कैन से टू डिवाइड ए स्क्वायर ठीक है ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया कि हम किसी भी नंबर को टू से भी स्क्वायर भूल जाओ सिर्फ ये सोचो किसी भी नंबर को आप टू से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर आएगा बेटा वो हमारा ऑफकोर्स टू उसको डिवाइड कर पाएगा क्योंकि वो टू से मल्टीप्लाई करके ही तो नंबर आया है ठीक है अब अपनी थ्योरम पे चले जाओ अभी जो हम यहाँ पे थ्योरम समझ के आए हैं कि टू डिवाइड ए स्क्वायर अगर टू डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो टू डिवाइड करेगा ए को भी है ना सो so, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अभी आपको शायद लग रहा होगा अरे मैम तो कह रही इशनल इजी होते तो बड़ा मुश्किल है ये मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको लग रहा है इतने सारे इराशनल के क्वेश्चन करेंगे ना आपको लगेगा अरे तो चार स्टेप में हो जाएगा ठीक है लेकिन मैं क्या कर रही हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर करूँ ताकि आपको रटना ना पड़े कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप है इसके बाद ये इस स्टेप है कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे ठीक है चलो सो टू डिवाइड ए स्क्वायर अब हमारी थ्योरम के हिसाब से अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है सो so, हम कह सकते हैं सो टू विल ऑल्सो डिवाइड ए अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा और यहाँ पे इसको इक्वेशन वन बोल के छोड़ देंगे लेकिन क्वेश्चन हमारा अभी नहीं हुआ क्यों क्योंकि पहली बात तो हमें साइड का रब करना पड़ेगा ताकि हमारा बोर्ड साफ सुथरा लगे और यहाँ पे चलते हैं अब आगे अब अगर मैं बोल रही हूँ टू डिवाइड ए सो इसका मतलब है कि अगर मैं टू में कोई भी रैंडम कॉन्सेंट नंबर मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो इक्वल होगा ए के अब ये चीज़ मैंने क्यों बोली देखो पहले जो मैंने बोला मैं लिखती हूँ इफ़ आई राइट टू सी देन इट विल बी इक्वल टू ए क्या मतलब हुआ इसका अगर हमने कहा टू डिवाइड करता है ए को तो आप किसी भी नंबर को जैसे ए मान लो हमारा हो गया कोई भी ऐसा नंबर जैसे टू इन फोर किया मैंने ठीक है फोर एक मेरा कांस्टेंट नंबर हो गया फोर टू या एट मतलब यहां पे कोई ऐसा नंबर ही आएगा टू जिसको डिवाइड करेगा तो मतलब सिंपल वर्ड्स में यार टू को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर ही मिलेगा टू जिसको डिवाइड करेगा आपने ये नहीं सोचना कि एक कोई पर्टिकुलर नंबर जैसे ए आप सोच लो कि ये कोई पर्टिकुलर नंबर फोर्टीन हो गया अगर आप पर्टिकुलर नंबर कर दोगे कि ए फोर्टीन है तो इसका मतलब तो ये है कि टू को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी फोर्टीन है यहाँ पे हमने ए को एज अ कोई नंबर नहीं समझना ए को हमने ये समझना है कि ए की जगह पे कोई भी ऐसा नंबर ही आएगा टू जिसको डिवाइड करता है इट कैन बी एनी नंबर इस तरीके से सोचना है इसको ऐसे नहीं सोचना कि ए कोई पर्टिकुलर नंबर हो गए थर्टी सिक्स है तो टू से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो थर्टी सिक्स ही आएगा नहीं आप ये सोचोगे कि ए की पोजीशन पर ऐसा नंबर ही आएगा जो टू जिसको करेगा ठीक है यहां पे इस तरीके से इसको समझने है, बैक बैक कर देते हैं चलो, 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 है? मल्टीप्लाई करूंगी तो वो ऐसा नंबर ही आएगा जो टू को डिवाइड कर पाएगा ठीक है चलो ये चीज हमने लिख दी टू सी और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वेयर सी इज एनी इंटीजर या एनी कांस्टेंट लिख सकते हो आप ठीक है कॉन्स्टेंट बोल देते कि कोई भी कॉन्स्टेंट है ठीक है तक कोई दिक्कत नहीं है फिर से जैसे हमने ऊपर स्क्वायरिंग किया था हम फिर से स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है सो दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ये आ गया टू सी इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर अब चले जाओ अपनी इक्वेशन नंबर वन पे यहाँ पे हमारे पास था कि ए स्क्वायर इक्वल है टू बी स्क्वायर के तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी ए स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली पुट कर दूंगी तो क्या होगा पहले तो ये देखो ये क्या आएगा टू का स्क्वायर करोगे बेटा फोर आएगा सी का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह आई कैन राइट टू बी स्क्वायर क्या किया मैंने वहां से इसकी वैल्यू पुट करी अभी टू और फोर कट हो जाएगा क्या होगा बेसिकली ये है फोर सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर सो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा सो so, ये हो जाएगा अपॉन में टू और ये हो गया बी स्क्वायर इससे कैंसिल करोगे आ गया टू सो so, इसी तरीके से हम यहाँ डायरेक्ट कट कर सकते हैं ये आ जाएगा हमारा टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अब हम सेम उसी कंडीशन पे पहुंच गए ना जो यहाँ पे था यहाँ पे था टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर तो यहाँ पे हमने क्या कहा था टू डिवाइड ए स्क्वायर तो इस हिसाब से यहाँ पे सेम ऊपर वाली उससे हम कह सकते हैं टू डिवाइड बी स्क्वायर और फिर हमारी थ्योरम आ जाएगी कि, कि टू अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टू डिवाइड करेगा बी को भी है ना भाई क्योंकि टू अगर ये तो थ्योरम में पढ़ के आएगी अगर कि किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी करेगा लेकिन यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा यहां पे हमने बोला टू डिवाइड ए और यहां पे हमने बोला टू डिवाइड बी क्या ये चीज़ गलत नहीं हो गई क्यों गलत हो गई क्योंकि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि ए और बी तो को प्राइम्स है को प्राइम्स का मतलब क्या है कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है और अभी क्वेश्चन करते करते हमें पता चल रहा है कि भाई इसका कॉमन फैक्टर तो टू भी है ए भी टू को डिवाइड कर रहा है बी भी टू को डिवाइड टू तो ए को भी डिवाइड कर रहा है बी को भी डिवाइड कर रहा है सो देर फोर ए और बी को प्राइम्स तो नहीं रहे ये तो भाई इनका तो कॉमन फैक्टर टू निकल के आ गया सो so, क्या लिखेंगे यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वी विल राइट देर फोर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स को प्राइम्स नहीं है ये इनका तो फैक्टर है टू सो देखेंगे विच मीन्स आर अजम्पन लिखने के और भी अलग तरीके हो सकते हैं वॉज रॉन्ग हमारी एजम्पन गलत थी हमने क्या ज्यूम किया था कि रूट टू रैशनल है तो हम कह सकते हैं देयर फोर रूट टू इज इेशनल ठीक है क्लियर है बेटा समझ में आ गया बस यही करना होता है रैशनल उसको इैशनल प्रूव करना है उसको रैशनल मान लिया एंड आगे जो हमने किया वही करना होता है अभी मैं आपको समझा रही थी तो आपको लग रहा होगा अरे तो बड़ा मुश्किल सा है लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा वही तीन चार स्टेप्स है ठीक है अब एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट, रूट सेवन रूट इलेवन इसको इराशनल प्रूफ कर दो एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि आपको दे दिया सिक्स प्लस एक्सरसाइज में करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन बता देती सपोज हैं प्लस रूट थ्री दे दिया प्रूव करो दैट इट इज़ इैशनल सेम तरीके से करते हैं हम लेट सिक्स प्लस रूट थ्री जो हमें क्वेश्चन में गिवन है बी रैशनल और ये पता है ये वाला ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू दिस वन

उस साइड भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट थ्री इक्वल्स टू ए अपॉन बी था इधर इधर प्लस सिक्स था इधर आके हो गया माइनस सिक्स सो ये हमारा हो जाएगा बेटा इसको ऐसे किया ये आ गया हमारे पास कॉमन नीचे बी ये हो जाएगा ए माइनस सिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ गया ए माइनस सिक्स बी अपॉन बी इक्वल्स टू रूट थ्री रूट टू लिख दिया मैंने सॉरी रूट थ्री अब यहाँ पे यार सोचने वाली बात ये है कि अगर हम इसको देखें A minus 6B upon B, जिसमें a और B हमारे रैशनल नंबर ये, तो ये तो हमें पता है लेकिन रूट थ्री जो है ये एक इेशनल नंबर है भाई इस क्वेश्चन में हमें रूट थ्री को रैशनल थोड़ी बोला है प्रूफ करने के लिए जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना तब आपको साथ में कभी कभी दे भी रखा होगा कि वेर रूट थ्री इज इेशनल सो आप यहां पे बोलोगे कि ये हमारा रैशनल है और ये इेशनल है सो आप इसको कैसे लिखेंगे सिंस वी नो दैट रूट थ्री इज इेशनल एंड देर फोर दिस कैन नॉट बी इक्वल टू दिस ये हमारा के इक्वल नहीं क्योंकि ये रैशनल है अब एक तरफ नंबर रख, रख दोगे एक तरफ रैशनल नंबर रख दोगे तो वो तो इक्वल नहीं हो सकते सो देयर फोर अगेन सेम लाइन हमारा एग्जाम गलत था एंड दिस कॉन्ट्रेडिक्स रूट थ्री हमारा इैशनल है सो so, हम कह सकते हैं ये हमारा इैशनल नंबर होगा ठीक है सो so, इस तरीके से हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस में भी क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल्स में भी क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है सो so, इस तरीके से नंबर्स को करते हैं इैशनल प्रूफ और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट आई होप यहाँ पे आपको जो जो कंसेप्ट समझ में आए होंगे एक्सरसाइजेस में जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपको बहुत ईजी लगेंगे ठीक है सो आई एल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइजेस टिल देन डू टेक केयर एंड इफ दस एनी क्वेरी कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हो आई सी यू इन दी next video bye bye